सर्दियाँ आते ही स्वीट्स की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ ऐसी ही एक स्वीट की रेसिपी, बट हेल्दी अंदाज में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर फिट एंड टैलेंट। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बाजरे के आटे के लड्डू की रेसिपी। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टच करें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बाजरे के आटे के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम के लगभग में जगेरी या गुड़, थोड़े से ड्राई फ्रूट में गरी, बादाम और किशमिश मैंने यहाँ पर यूज़ की है। 400 ग्राम के लगभग में चाहिए हमें बाजरे का आटा, 50 ग्राम के लगभग में मैंने लिया है मेलन सीड्स और 100 ग्राम के लगभग में मैंने लिया है वाइट कलर वाले तिल। अब एक पैन लेकर के सबसे पहले तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे, धीमी आंच पे करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट नहीं करना है और इसे कॉन्टिन्यू चलाते रहना है जिससे कि तिल जल ना जाए। तिल अच्छे से जब भून जाएंगे तो हल्का से चिटकने लग जाएंगे, इट मीन्स कि तिल आपके भून गए। अब इसी तरीके से मेलन सीड्स को भी आप भून लें, इसे भी लो फ्लेम पर ही भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब भून जाएंगे तो चटकने लगेंगे, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरीके से भून लेना है, और लाइट ब्राउन या लाइट पिंकिश कलर जब हो जाए तो आपके सारे ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं, जैसा कि वीडियो में शो हो रहा है। मेलन सीड्स साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसे कूच करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं लड्डू में यूज़ करूँगी। तो सीड्स अच्छे से कूच गए हैं और लगभग इस तरीके का टेक्सचर हो गया है। अब लड्डू के मेन इंग्रेडिएंट यानी कि बाजरे के आटे को भी हमें भूनना है, तो इसे भी पैन में डाल लेना है और अच्छे से भूनना है, चलाते हुए लो फ्लेम पर ही भूनना है जिससे कि आटा जल ना जाए। वीडियो शूट करने के चक्कर में मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, इसमें घी डालना था मुझे। घी लगभग यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे 100 ग्राम या 150 ग्राम के लगभग में, तो मेल्टेड घी यूज़ करना है, जमा हुआ घी ना यूज़ करें और घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल या डालडा का यूज़ ना करें तो अच्छा होगा। वैसे घी बाद में भी ऐड कर सकते थे, बट स्टार्टिंग में भूनते टाइम ही ऐड करने से इसमें सोंधी सोंधी स्मेल आती है जो आप भूनते समय फील कर पाएंगे। अब इसे अच्छे से चलाते जाना है और भूनते जाना है। भूनने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस कलर का हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। पहले ये लाइट कलर का था, लाइट पिंकिश कलर का, अब ये डार्क ब्राउन कलर में हो जाएगा, तो ये लगभग भून गया है। अब लड्डू बनाने के लिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी रेडी करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ही गुड़ था, तो मुझे वीडियो शूट करना था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो खैर, इसमें मैंने 200 ग्राम के लगभग में जगेरी लिया है यानी कि गुड़, और लगभग में 50 ग्राम के लगभग में चीनी ली है और 2 कप पानी डाला है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह चलाते जाएंगे, और जब ये बॉयल हो जाए, इस टाइप से बबल्स आने लग जाएं, तो एक बार इसकी चाशनी निकाल करके हाथ से चेक करेंगे। चाशनी निकाल करके थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, तब हाथ से छू करके देखें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि एक तार की इस टाइप की चाशनी जब बनने लग जाए। चाशनी हो गई है लड्डू बनाने के लिए। अब चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और लड्डू के मिक्सर में ऐड कर रहे हैं 1.5 चम्मच के लगभग में काली मिर्च पाउडर। अब सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो आप धीरे धीरे से चाशनी मिक्स करते जाएंगे और सारे लड्डू के मिक्सचर को बाइंड करते जाएंगे। जब लड्डू बनने लग जाए तो इट मीन्स कि मिक्सचर आपका हो गया है और चाशनी और ऐड आपको नहीं करनी है। बाजरे की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंडियों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बच्चे इसकी रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस तरीके से अगर लड्डू बना देंगे तो वो भी आसानी से खा लेंगे, और ठंड लगने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप एक बार अच्छे से लड्डू बना करके देख लीजिए, अगर लड्डू बन रहा है तो आपका मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गया है। तो लड्डू अभी नहीं बन रहा है, तो मैं इसमें थोड़ी सी चाशनी और ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ के शीरे की जगह डायरेक्ट चीनी का शीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी का शीरा बनाने के लिए भी 250 ग्राम और 2 कप पानी आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो शीरा आपका परफेक्ट बन जाएगा। तो लड्डू अब बनने लग गए हैं, तो फटाफट से अब सारे लड्डू बना लेते हैं। और लगभग मैं इतने मटेरियल को मिक्स करने के लिए मेरा सारा शीरा यूज़ हो गया था, लगभग 1/2 कप शीरा केवल बचा था। तो जो बचा हुआ शीरा है उसे मैं गुड़ की चाय बनाने में यूज़ कर लूँगी। तो अब इस तरीके से सारे लड्डू प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मेरी मॉम की रेसिपी है, जो शायद उन्होंने मेरी दादी या नानी से सीखी होगी, तो काफ़ी अच्छी और हेल्दी रेसिपी मुझे लगी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी या रेसिपी आपको कैसी लगी।
और अगर आप इसे खुद ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव कर लें, जिससे कि वीडियो कहीं मिस ना हो जाए आपसे, क्योंकि कभी कभी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो वो वीडियो को सेव कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि फ्यूचर में वो कभी भी इस टाइप की लड्डू की रेसिपी बनाएं तो वो ईजिली बना पाए। आई होप आज की रेसिपी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें, और आप ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए रेसिपी वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।